दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में हम अनेकों चीजों को हमारी पृथ्वी से टेलीस्कोप की मदद से देख लेते हैं और उनकी तस्वीरें भी लेते हैं और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह, उपग्रहों और एक्सोप्लैनेट्स की जानकारियां जुटाते रहते हैं। पर क्या आपने धरती की ऐसी तस्वीर देखी है जो किसी दूसरे ग्रह या अनंत ब्रह्मांड के अंदर हमारे सौरमंडल की सीमा से भी दूर से ली गई तस्वीर हो? 14 फरवरी 1990 को वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने एक फोटोग्राफ को धरती से 600 करोड़ किलोमीटर दूर से खींचा था। इस फोटोग्राफ में पिक्सल से भी छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था जो कि हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की आज तक की सबसे दूर से ली गई एकमात्र फोटोग्राफ है। दोस्तों, इतने से डॉट में जो कुछ भी समाया हुआ है वो फिलहाल तक ब्रह्मांड में जिंदगी का एकमात्र ठिकाना है और हम सभी का घर भी है। इस फोटोग्राफ के 34 मिनट के बाद वॉयजर 1 के कैमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और तब से लेकर अब तक वॉयजर 1 लगातार स्पेस में आगे बढ़ता जा रहा है। 5 सितंबर 1977 को लॉन्च हुए स्पेसक्राफ्ट आज पृथ्वी से 2400 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और स्पेस में इंसानों द्वारा भेजा गया सबसे फार्देस्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने 45 सालों के सफर में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई रिकॉर्ड बनाए हैं और आउटर स्पेस के इनक्रेडिबल फोटोग्राफ भी लिए हैं। क्या आप जानते कि वॉयजर 1 के कैमरे पिछले 32 सालों से बंद क्यों हैं? और अगर आज इन कैमरों को खोल दें तो हमें कैसा नजारा देखने को मिलेगा? दोस्तों, वॉयजर स्पेसक्राफ्ट पिछले 45 सालों से लगातार स्पेस की हार्श कंडीशन में ट्रेवल कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो एक्टिव हैं और उनके कुछ इक्विपमेंट फंक्शन भी कर रहे हैं। वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो अपने टाइम की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। अब इसका एक एग्जाम्पल हमें वॉयजर 1 के कैमरा सिस्टम में देखने को मिलता है। वॉयजर 1 में वीडियोकॉन कैमराज लगे हुए हैं जो बेसिकली उस समय के टेलीविजन कैमराज हैं। ये 800x800 रेजोल्यूशन वाले कैमराज हैं जो कि स्केल में 8 बिट की इमेज कैप्चर करते हैं। अब इनमें से एक वीडियोकॉन कैमरे में वाइड एंगल लेंस लगाया गया है जिससे कि प्लेनेट की पूरे साइज की फोटो ली जा सके और दूसरे में नैरो एंगल लेंस लगाया गया था जिससे प्लेनेट को जूम करके उनकी डिटेल्ड फोटोग्राफ ली जा सके। अब इन कैमरों में पूरा ऑप्टिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया था जिससे कि हम कलर्ड इमेजेस हासिल कर सकें। अब ऐसा करने के लिए बहुत ही चतुराई के साथ कैमराज के बाहर एक रोटेटिंग फिल्टर को लगाया गया था। इसमें ऑरेंज, वायलेट, ब्लू और ग्रीन कलर के फिल्टर थे और एक फिल्टर से ग्रे स्केल फोटोग्राफ ली जाती थी। अब इसके कैमराज के फंक्शनिंग को आप एक एग्जाम्पल की मदद से समझिए। मान लीजिए सामने की ओर जुपिटर प्लेनेट दिख रहा है जिसमें लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर कैमरा की ओर आ रही है। अब ये रोशनी की किरणें भी अलग अलग कलर के फिल्टर से गुजरती हैं तो इनसे जुपिटर की मल्टीपल फोटोग्राफी ली जाती है। अब मान लीजिए कि रोशनी की किरणें ब्लू कलर फिल्टर से गुजरती हैं और इसमें से सिर्फ ब्लू कलर ही आगे आएगा और बाकी सारे कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह से हमें अलग अलग फिल्टर कलर की बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं। और जब हम इन इमेजेस को एक साथ कंबाइंड करते हैं तो ये कलर्ड इमेज देती है। अब वॉयजर 1 के कैमरा सिस्टम की तरह हमारी आंखों में भी 3 कलर्ड फिल्टर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब आपने ये तो जरूर देखा होगा जब हम अपनी आंखों को रगड़ते हैं या उनको रब करते हैं तब हमें सामने दिख रहे ऑब्जेक्ट के अराउंड कुछ कलर्ड लाइंस दिखाई देती हैं, यानी उसके आसपास हमें एक घेरा सा दिखाई देता है। दरअसल ये इन्हीं कलर्ड फिल्टर के कारण होता है। पर वॉयजर 1 में रोशनी की किरणों का सफर कैमरा फिल्टर से गुजरकर खत्म नहीं होता है बल्कि इन कैमराज के अंदर वीडियोकॉन ट्यूब भी लगी होती थी। दरअसल वीडियोकॉन ट्यूब के सामने क्यूरिक ट्रांसपेरेंट फेस प्लेट लगाई जाती है जिस पर टिन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ठीक है, इसके पीछे एक फोटो कंडक्टिव टारगेट प्लेट है। अब जब बाहर से आ रही लाइट के फोटो टारगेट प्लेट से टकराते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जाकर ट्रांसपेरेंट फेस से चिपक जाते हैं और टारगेट प्लेट पर गैप बन जाते हैं और वीडियोकॉन ट्यूब के पीछे और एक कैथोड गन लगी होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट की ओर रिलीज करती है। ये इलेक्ट्रॉन बीम टारगेट प्लेट के गैप को भर देती है। इससे इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में एक सिग्नल क्रिएट होता है और इस सिग्नल में ही इमेज की पूरी कंफर्मेशन स्टोर होती है। अब वॉयजर 1 इस डेटा को सीधे तौर पर वैज्ञानिकों को ट्रांसमिट कर देता है लेकिन ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं है जितना पृथ्वी पर रहते हुए एक इंसान द्वारा दूसरे को व्हाट्सएप फोटो भेजना होता है। दरअसल वॉयजर 1 के द्वारा खींची गई हर फोटोग्राफ करीब 50 लाख बिट साइज की होती है जो कि लगभग 0.6 मेगाबाइट्स की होती है। अब आज के स्टैंडर्ड से देखें तो एक बहुत ही छोटी साइज की फाइल है जबकि हमारे नॉर्मल स्मार्टफोन की फोटोग्राफ भी कई मेगाबाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। और M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की जो हमने फोटोग्राफ ली थी वो तो 4 पेटाबाइट्स की थी यानी कि 4 लाख
गीगाबाइट्स यानी जीबी की थी। दोस्तों 70 के दशक में बनी टेक्नोलॉजी की मदद से कई सौ करोड़ किलोमीटर दूर से 0.6 मेगाबाइट्स की फोटोग्राफ भेजना भी आसान नहीं होता था। अपने शुरुआती सालों में जब वॉयजर 1 पृथ्वी के बहुत करीब हुआ करता था तब इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड करीब 115,000 बिट्स पर सेकंड की थी। अब इस स्पीड से एक फोटोग्राफ सिर्फ 40 सेकंड में धरती पर बैठे वैज्ञानिकों तक पहुंच जाती थी। लेकिन जब ये धरती से 2400 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तो इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट करीब 160 बिट्स की रह गई है और इस स्पीड से एक फोटोग्राफ भेजने में 8 घंटे लग जाते हैं। वॉयजर 1 और पृथ्वी के डिस्टेंस को देखते हुए ये समय 21 घंटे के करीब हो जाता है। यानी हमें आज वॉयजर 1 से एक सिग्नल रिसीव करना तो उसमें 21 घंटे का समय लग जाएगा और फिर पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक उसका जवाब वॉयजर 1 को भेजते हैं तो एक बार फिर से 21 घंटे वापस लग जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वॉयजर 1 जैसे ही इमेज डेटा को हासिल करे तो उसे हमें भेज दे। दरअसल उसमें एक मैग्नेटिक टेप इंस्टॉलर होती है जो कि इस इमेज डेटा को सेव करके रखती है और जब भी सॉफ्टवेयर को यह लगता है कि अब ये कम्युनिकेशन इजिली हो सकता है तो उस डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। अब ये कैमरा सिस्टम कितना एडवांस है लेकिन इसे साल 1990 में ही बंद किया जा चुका है और इसका कारण है फ्यूल यानी कि ईंधन। दोस्तों साल 1990 में जब इसने आखिरी फोटोग्राफ ली थी तब ये धरती से 600 करोड़ किलोमीटर दूर था। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी वहां से एक छोटी सी डॉट की तरह दिखाई दे रही थी। अब वैज्ञानिक जानते थे कि मिशन अगले कई सालों तक ऐसे ही चलने वाला है और एक दिन ऐसा आएगा जब वॉयजर 1 सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज तक पहुंच जाएगा और इंटरस्टेलर मीडियम में एंटर करेगा। 25 अगस्त 2012 को वॉयजर 1 ऐसा करने वाला पहला ऑब्जेक्ट बना था और ये हमें इसलिए पता चल पाया क्योंकि उस समय वॉयजर 1 एक्टिव था। दरअसल वॉयजर 1 में 3 रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या RTG लगे हुए हैं। इसमें बेसिकली होता यह है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से एनर्जी को हासिल करके इलेक्ट्रिसिटी बना जाता है और फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी से स्पेसक्राफ्ट की फंक्शनिंग चलती है। और जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसका पावर आउटपुट 470 वाट हुआ करता था, पर रेडियो एक्टिव मटेरियल से मिलने वाली एनर्जी समय के साथ डिके होती जाती है और इसलिए इसका पावर आउटपुट 4 वाट पर ईयर के हिसाब से डिक्रीज होता जा रहा है और आज ये सिर्फ 249 वाट पर आवर को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि पहले से 43% कम है। अब वॉयजर 1 का कैमरा सिस्टम अकेले ही करीब 42 वाट पर आवर को कंज्यूम करता है, पर कैमरे के अलावा भी इसमें 10 और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे। अब अगर स्पेसक्राफ्ट के एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव रखना था तो हमारे सामने हाई पावर कंज्यूमिंग इंस्ट्रूमेंट को बंद करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट को स्टोरी मेमोरीज की कमी नहीं हो इसके लिए कैमरा सिस्टम से रिलोड सारे सॉफ्टवेयर तक को रिमूव कर दिया गया। मतलब आज न तो वॉयजर 1 का कैमरा ऑन है और न ही वो सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जो कैमरे से फोटोग्राफ को कैप्चर करके उसे प्रोसेस कर सके। और वैसे भी इतने सालों तक स्पेस की हार्श कंडीशन और एक्सट्रीम हीट को सहने के बाद तो शायद ही वो एग्जिस्ट कर पाते। लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर आज ये कैमरा ऑन हो जाता है तो हमारे सामने क्या नजारा होगा। फिलहाल दोस्तों ये वॉयजर 1 धरती से इतनी दूर पहुंच चुका है कि वहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है। अब अगर आज वॉयजर 1 के कैमरा से फोटोग्राफ ली जाएगी तो उससे हमें सूरज और सोलर सिस्टम के एक दो बड़े प्लेनेट आसमान में चमकते तारों की तरह दिखाई देंगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यानी पूरी तरह से हमें ब्लैक पिक्चर से मिलेंगे। इसके अलावा हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।